पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने देश एवं प्रदेश वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई देते हुए कहा कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे और उसका संवर्धन करेंगे। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने प्रदेशवासियों को अपील की है कि वो प्राकृतिक खेती और गौ संवर्धन को बढ़ावा दें। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। पर्यावरण दिवस पर हम सब संकल्प लें कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, पौधारोपण कर वृक्ष बनाएंगे और उसका संवर्धन करेंगे, जिससे पर्यावरण हमारे अनुकूल होगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्राकृतिक खेती के साथ गौ संवर्धन पर जोर देते हुए कहा कि खेती के साथ गाय की रक्षा करना जरूरी है। गोबर से खाद व गौमूत्र से दवाई बनाकर अपने खेतों में सींचें, ताकि हमारे खेत की मिट्टी बचे। आज के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे और इसलिए पौधारोपण करेंगे, वृक्ष बनाएंगे, पौधे को उसको पालेंगे, उसको सिंचित करेंगे, उसका संवर्धन करेंगे, जिससे पर्यावरण हमारे अनुकूल होगा। साथ ही हम खेती भी प्राकृतिक खेती करें, गौ की रक्षा करें, गोबर से खाद गोमूत्र से दवाई बनाकर अपने खेतों में सींचे, ताकि हमारी मिट्टी बचेगी, पर्यावरण बचेगा, जीवन बचेगा, शुद्ध अनाज हमको मिलेगा, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।